हारूनाबाद में फकीराली के करीब आसमानी बिजली गिरने से दो बच्चों समेत तीन अफराद जाँ बहक दो जख्मी। मोटरसाइकिल सवार फैमिली जा रही थी कि आसमानी बिजली गिर गई। जाँ बहक अफराद में नासिर और दो बेटे आबिद और मुनीब शामिल। जख्मियों में बीवी साजिदा और एक बच्चा अहमद शामिल। हब में तरीजी लेडानी के मुकाम पर हादसा। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। छह अफराद जाँ बहक दो जख्मी। तरीजी पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। गुज़िश्ता शब नौशकी में अगवा के बाद कत्ल किए गए। नौ अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में अदा। लाशें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगती, एडिशनल आईजी, डीआईजी और दीगर पुलिस अफसरान शरीक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद से था। कराची नाजमाबाद में पुलिस मुकाबला एक डाकू हलाक। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक मुकाबला मुजाहिद कॉलोनी बस स्टॉप नंबर 7 के करीब हुआ। मुलजिम की फायरिंग से 18 साल नौजवान हाथ पर गोली लगने से जख्मी हुआ। हलाक मुलजिम की शनाख्त बालाश के नाम से हुई। असलह बरामद। कराची कोरंगी चक्रा गोट में खुलाड़ी के बाद से एक शख्स का रिक्शे में सवार चार मुलजिमान ने मकतूल को कत्ल किया। और टैक्स चोरी में मुलविस 5 लाख से ज्यादा अफराद की सिमें ब्लॉक करने का फैसला एफबीआर की आला सतह पर मुशावरत चेयरमैन ने मंजूरी दे दी। जरा के मुताबिक एफबीआर ने मजमू तौर पर 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदही की। नॉन फॉलर के बिजली कनेक्शन मुनकता करने के भी अख्तियारात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।